रखा था और प्रार्थना के साथ प्रार्थना पूर्वक जब प्राणायाम का पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा तन मन जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। तो आइए सामान्य या मध्यम गति से, और जो अपवाद रूप में पूर्ण स्वस्थ हैं वे ऐसे तीव्र गति से, जैसे जिसको अभीष्ट है वैसे प्राणायाम का अभ्यास करें। प्रार्थना पूर्ण हृदय से आइए। गहरा श्वास भरते भरते पांच प्राणों का पोषण, अष्ट चक्र नव द्वार जागृत, बहत्तर करोड़ 72,201,000 पुष्ट, पूरी तरह से भगवान की शरण और जिसका जैसा सामर्थ्य अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप लंबा गहरा श्वास पुरुषार्थ की और प्रार्थना की जब पराकाष्ठा होती है तब पूर्ण रूपांतरण घटित होता है। जिनको बड़े रोग हैं, जिनको बड़ी बीमारियां हैं, SLEMS ऑटोमेन डिजीज, जिनको बहुत ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है, जिनको बहुत ओबेसिटी है, भस्त्रिका के बाद हम कपाल भात कर लें, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आज बीमारियों की जड़ों पर प्रहार करते हुए जो बड़े कारण हैं उनके संदर्भ में आपसे संवाद कर रहे हैं। निरंतरता पूर्वक करते रहिए आप बिना रुके, एक अनुष्ठान की तरह सामान्य और मध्यम गति से सभी कर सकते हैं। सामान्य गति है और ये मध्यम गति, इस सब प्रक्रिया से निरंतर पूर्वक आप एक अनुष्ठान की तरह प्राणायाम को करते रहे। और जरा कुछ बड़ी बातें हैं उनको गौर से सुन लेना। और मैं तो आपको हर दिन कहता हूं अपने पास एक डायरी रखा करो और इन बातों को नोट कर लिया करो, इससे आपको हर दिन प्रेरणा मिलेगी और योग के जो सत्य हैं उनको आत्मसात आप कर पाएंगे। सब बीमारियों की जड़ क्या है, मूल क्या है, तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इसलिए जिनको ज्यादा बड़ी बीमारियां, एक साथ 10-10 बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है,
शुगर भी है, इसके कारण से किडनी भी कमजोर हो गई, क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ गया, घुटनों में भी दर्द है, कमर में दर्द है, वात पित्त कफ त्रिदोष प्रकोपित है। जब लीवर ठीक काम नहीं करता है, किडनी ठीक काम नहीं करती है, ब्रेन की सिक्रेशंस सही नहीं होते हैं, तो चर्म रोग हो जाते हैं, रैसेस होना, खाज खुजली होना सामान्य बात है, चमड़ी उधड़ने लगती है, सोराइसिस, सोराइटिक अर्थराइटिस हो जाता है, सफेद दाग हो जाते हैं, लिकोडर्मा के बाद स्क्रोडर्मा, ये और खतरनाक समस्या है, पूरी चमड़ी ऐसे हार्ड हो जाती है, करो कपाल भाती, एक साथ बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, वात पित्त कफ त्रिदोष का प्रकोप, चर्म रोग, सभी प्रकार के चर्म, डाइजेशन भी गड़बड़ हो गया है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, एक अनुष्ठान की तरह योग करना, आपका डाइजेशन भी खत्म हो जाए, डाइजेशन का तन के साथ सीधा संबंध मन से, जब आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं, श्रद्धा से आपूरित होता आपका हृदय, उत्साह से आप भरे हुए होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो भूख अपने आप अच्छी लगने लगती, पेट अपने आप साफ हो जाता है, कोलाइटिस अपने आप दूर हो जाता है, ये बड़ी बात है, जो कुछ चल रहा है आपके अंदर की सिचुएशन से चल रहा है। देखो, मैं शरीर को बहुत महिमा देता हूं, मैं मानता हूं सबका फौलादी शरीर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दौड़ना और शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए अत्यंत प्रेरणा देता हूं मैं आपको, मैं कहता हूं, वेद का मंत्र भी उद्धृत करता हूं अपने बात को पुष्ट करने के लिए, वेद दर्शन उपनिषदों के संदर्भ, उनके रेफरेंसेस आपसे कहता हूं, अस्मा भूत नस्तनो नयम आत्म बल ही न लभ्य बलम उपास, और योग से बड़ा कोई बल भी नहीं, न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, योग से बड़ा कोई धन नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, ये सब कहता हुआ मैं कहता हूं शरीर बहुत महत्व की का तत्व है, लेकिन शरीर चलता है, स्थूल शरीर चलता है सूक्ष्म शरीर से, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, विचार, भाव, संवेदना, इसके भीतर के केमिकल्स और हार्मोन से बॉडी चलती है, और वो जो केमिकल्स और हार्मोन है वो मन से चलते हैं, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म तत्वों से संचालित होता है, जरा परत दर परत आपको अंतर में गहरा लेकर के जा रहे हैं, करते रहो और करते करते जो आपके भीतर गहरा रूपांतरण घटित हो रहा है उसको अनुभव करो। योग क्या है? योग के गहरे तत्वों को आपसे कह रहा हूं, जरा उनको सुनना। योग क्या है? एक अनुभूति है। भगवान का दर्शन क्या है? एक अनुभूति है। भगवान तो सब जगह सर्वत्र उपलब्ध है, उसको आप दर्शन करने का मतलब कोई अलग प्रतिमा थोड़ी ना घड़ेगा, ना तो उससे प्रतिमा आस्ती, ना कोई आप उसकी कोई नई प्रतिमा नहीं गढ़ते, सब प्रतिमाओं में उसके प्रतिमान को देखो, उसके वैभव को देखो, ईशवास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र समान ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, योग अनुभूति है, आत्मदर्शन एक अनुभूति है, भगवत दर्शन एक अनुभूति है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति त
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विश्वः कर्माणि पश्यत, विश्वः कर्माणि पश्यत, यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सख तद्विश्वः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातम्। आत्मदर्शन प्रभु दर्शन एक अनुभूति, प्रेम की अनुभूति है। आप ये नहीं कह सकते ये प्रेम है, नहीं तो अभी तक लोग प्रेम की गोलियां टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन वैक्सीन आदि बना चुके होते। प्रेम एक अनुभूति है, सुख एक अनुभूति है, दुख एक अनुभूति है। यदि व्यापक तौर पर कहा जाए तो लाइफ इज एक्सपीरियंस, जीवन ही एक अनुभूति है, ज्ञान भी एक अनुभूति है, ज्ञान शक्ति भी एक अनुभूति है, भाव शक्ति भी, प्रेम करुणा वात्सल्य संवेदनशीलता एकात्मता ये एक अनुभूति है, पुरुषार्थ भी एक अनुभूति है, सब कुछ अनुभूति है, अनुभव है, अनुभव है और कुछ नहीं। तो अनुभव करो, तुम्हारे भीतर भी एक गहरी अनुभूति है और उस अनुभूति को जिन्होंने पा लिया उनको बुद्ध पुरुष कहते हैं, उनको आत्मवेत्ता कहते हैं, उनको ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, उनको कहते हैं जीवन मुक्त हो गए, ये त्रिगुणातीत भावातीत हो गए, इन्होंने इनको उपलब्धि हो गई है, इनको जीवन के सत्य आत्मसात हो गए। कपाल भाति करते रहो, लय के साथ करना, शरीर चल रहा है, केमिकल सोर्स हार्मोन्स है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स अंदर से, अलग अलग प्रकार के रसायन अंदर से, अलग अलग, और इन केमिकल्स सोर्स हार्मोन्स के पीछे ये जो दृष्ट तत्व हैं इनको आप सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से, ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए, ऐसे मशीन आ गए, ऐसे टेस्टिंग मेथड्स डेवलप हो गए, उनसे आप इनको माप सकते हैं। यू कैन मेजर दीज थिंग्स, द हार्मोन्स, द केमिकल्स, द सॉस, यू कैन मेजर थ्रू इक्विपमेंट्स। लेकिन अब इसके भी और ज़्यादा सूक्ष्मता में जाओ, स्थूल शरीर के पीछे ये सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा जो नहीं दिखता है सामान्य रूप से ना बाह्य गोलकों से, लेकिन इसको भी देखने के लिए चेष्टाएँ कर ली गई हैं। इसके पीछे है ऊर्जा तरंगे, इसके पीछे ऊर्जा तरंगे। हमारे एमपी सिंह साहब बड़े एक प्रामाणिक दार्शनिक हैं, बहुत विश्लेषण करते रहते हैं जीवन के अदृष्ट सत्यों के बारे में भी। एक माइक इनको देंगे जरा इधर। इन स्थूल शरीरों के पीछे जो शरीर के सामान्य रूप से गोलकों से नहीं दिखते उम्र का केमिकल सोर्स हार्मोन्स हैं, इनके भी पीछे, इनके पीछे ऊर्जा तरंगे हैं और वो ऊर्जा तरंगे एक एक क्षण में, एक एक क्षण में करोड़ों प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे पैदा होते हैं, हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों और करोड़ों भी नहीं, मैं कहूंगा अरबों, अरबों भी क्या, खरबों, खरबों भी क्या, अनंत ऊर्जा तरंगे। अब ये विज्ञान अब इस सत्य तक भी, आज का जो भौतिक विज्ञान जो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, ज्यादातर लोग ऐसे सब नहीं कहते हैं, जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सारा जगत तो दृष्ट पर ही काम कर रहा है, माना कि काम दृष्ट से हो रहा है, लेकिन इस दृष्ट के पीछे अदृष्टि है। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये जुबान बोल रही है, ये बोलने के पीछे मेरा दिमाग काम कर रहा है, लेकिन इस दिमाग के पीछे भी तो कुछ है, वो मेरी आत्मा है। अब उसको मैं आपको ये नहीं कह सकता ना ये आत्मा ऐसी है, मानी वो आत्मा कैसी है, हरी है, लाल है, पीली है, नीली है, गुलाबी है, वो आत्मा का आकार प्रकार कितना बड़ा है, वो देखने में कैसे लगती है, लेकिन उस आत्मा के रहते ही मैं बोल रहा हूँ, उस आत्मा के रहते ही मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चेष्टाएँ कर रहा हूँ। वो जब नहीं रहती
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यश्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन मनुषा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। अदृष्टि से सब कुछ चल रहा है, और वो अदृष्टि क्या है? वो ऊर्जा तरंगों का संघात मात्र है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं हमेशा, उसको थोड़ा और विस्तार से सिंह साहब कह देंगे कि मैं कहता हूं तुम एक क्षण में अपने आप को रूपांतरित कर सकते हो, बशर्ते तुम उस क्षोर तक पहुंच जाओ जहां पर पूर्ण मौन है। मौन को कई बार शून्य भी कह देते हैं, लेकिन यह शून्य जड़ता नहीं है, जैसे युग दर्शन में भी कहा देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव। स्वरूप से शून्य जैसा है, शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है, मूढ़ता नहीं है, वहां निष्क्रियता नहीं है, वहां तो परम सक्रियता है, परम ज्ञान है, वहां तो परम संवेदना है, परम ऊर्जा है, ऊर्जा की पराकाष्ठा है, शाश्वत ऊर्जा प्रवाहमान है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्ज्ञात प्रज्ञानोक प्रज्ञानोक अनंत ज्योति। अनंत ज्योति हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश है, उसको कहा मैंने अनंतता अनंतता पूर्णता ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। जब हम ज्ञान के तरीक में जो भी पिंड और ब्रह्मांडगत समस्त दृष्ट तत्व है इनसे परे 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 परम ऊर्जा उसमें पहुंच जाते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा, श्रद्धा की, भक्ति की, प्रेम की, विश्वास की, स्वीकार्यता की, स्वीकार्यता की पराकाष्ठा, मन ज्ञान की पराकाष्ठा, संवेदना की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा। अब कुछ करना शेष नहीं रह गया, इतना ज्यादा आपने किया, तो वहां ऐसी स्थिति में आपको पहुंचने के लिए बस एक गहरा संकल्प चाहिए, जिसको कहा तन में मन शिव संकल्प मस्त। अब इस स्थिति में यहां से इतना गहरा रूपांतरण शुरू होता है। और देखो यात्रा शुरू होती है शरीर से, फिर तुम्हारे केमिकल्स और हार्मोन्स चेंज होने शुरू होते हैं। इसको मैं रोज कहता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवेनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन एक्सपीरियंस थ्रू मेडिकल इक्विपमेंट्स, थ्रू योर एक्सपीरियंस आपको खुद महसूस होने लगता है अब मैं उभर रहा हूँ, उभर रहा हूँ, उभर रहा हूँ। और इस उभार के पीछे आप ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां परम सत्य है। इसके लिए मैं दो शब्द प्रयोग करता हूं हमेशा, एक सामान्य सत्य, भौतिक सत्य, एक परम सत्य। परम सत्य और यहां ये होते ही हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत ऊर्जा तरंगे तुम्हारे भीतर से उद्भूत। इसको कहते हैं कि इस समय जो साधक होता है वो जैसा चाहता है वैसे ही हो जाता है, वो फिर अपने जीवन को जैसा चाहे वैसे आकार दे सकता है, उसको अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग दर्शन में जिनको सिद्धियां कहा है ना, मैं बड़े कौतूहल से पढ़ा करता था योग दर्शन आज से 35 साल पहले, और मैं ऐसा सोचता था कि मैं ऐसे कुछ साधना करूंगा जिससे सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हो गई। बालक था, जोश था, जवान था, लगता था मैं आकाश में उड़ूंगा, आकाश गमन सिद्धि है, परकाया प्रवेश सिद्धि है,
बहुत तरह की सिद्धियां हैं इस ब्रह्मांड के, अलग अलग रहस्यों का बोध जिस प्रक्रिया से होते हैं सिद्धियों का वर्णन, लेकिन वो सिद्धियां ये कोई बाहर के कर्मकांड नहीं है। मैं आकाश में भी उड़ा हूं, मैंने परकराय प्रवेश किया है, मुझे आज अनुभव हो रहा है, वो भी एक सिद्धि हो सकती है कि आप एक काया में प्रवेश कर जाएं किसी मृत देह में उसको जिंदा कर सके। मैं इसको अन्यथा नहीं मानता हूं। आकाश में ऐसे शरीर भी उड़ा जा सकता, मैं इसको भी अन्यथा नहीं मानता। जल पंख कंटक आदि से असंग और उसमें उत्क्रमण हो सकता है कि आप कांटों पर और आप समुद्र में भी ऐसे ही बिना सहारे के आलंबन के चल सकते हैं, आप लाखों किलोमीटर दूर का सुन सकते हैं, ये सब सिद्धियां हो सकती हैं। लेकिन इसके परे भी सिद्धि है कि आप करोड़ों लोगों में प्रविष्ट हो जाएं सूक्ष्म स्तर पर। आज मैं करीब दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ लोगों में मेरा प्रवेश हो गया है, परकाया प्रवेश। मैंने जैसे मैं चाहता हूं वैसे वो चाहते हैं, वो सोचते हैं, वो जीते हैं, वो करते हैं, मैं उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। ये परकाया प्रवेश का विराट रूप है, मैंने भगवान की योग की इस विराट रूप को देखा है। तो सुनो, कपालभाति करते रहना, और जो कपालभाति करते करते थक जाए तब अनुलोम विलोम कर लेना। एक क्षण में कितने प्रकार के ऊर्जा तरंगे पैदा होती उनको कुछ को माप लिया गया। अभी ऊर्जा तरंगों के भी मापन के साधन है, माने जिनका कोई आकार नहीं होता, उन ऊर्जा तरंगों को भी वैज्ञानिक यंत्रों से माप लिया गया है, उनको भाप लिया गया है, लेकिन वो भी उनका कुछ अंश है। जैसे वेद में का पाद से विश्व भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, जो देख लिया गया वो तो बहुत थोड़ा सा है, जो नहीं देख लिया गया है वो तो अनंत है। अब इस भाव चेतना तक आप पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा एक दिन में भी पूरा रूपांतरण हो सकता है। अब जरा शब्द सुनना, पूरा रूपांतरण हो सकता है। और यह मैंने देखा है जिनको अलग अलग प्रकार की व्याधियां थी शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर, एक दिन में भी मैंने लोगों के टाइप 1 डायबिटीज को मिटते देखा है, जो 50 60 70 80 82 यूनिट ले रहे थे इंसुलिन, एक दिन में मैंने बीपी ठीक किया, एक दिन में थायराइड बंद कर दिया, अगले दिन चेक कराया थायराइड नॉर्मल। ये क्या है? ये आंतरिक यौगिक आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों के रूपांतरण की साक्षात अभिव्यक्ति अनुभूति है। एक दिन में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, एक दिन में बीपी, एक दिन में शुगर, एक दिन में थायराइड, एक दिन में स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, जिनको बहुत स्ट्रांग मेडिकेशन से लेने पड़ रही थी सोने से लेकर के और तमाम तरह अपने मस्तिष्क को शांत कर, अरे वो अंदर से शांति मिल गई ना, मैंने डिप्रेशन की भी दवाई बंद। एक दिन में मैंने लोगों की एपिलेप्सी भी ठीक होती देखी। एक दिन अब उसको कैसे कहें, वो ऊर्जा तरंगों ने अपना काम किया तो उसको 2-3 दिन का समय भी लग गया तो कोई बात नहीं। पार्किंसन जिनके हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे थे, अमृत लाल जी आया, मैंने कहा अमृत ये हुआ क्या? वो 5 लाख रुपए का दान दे करके गया, बोले स्वामी जी मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरे हाथ ऐसे हिलते हिलते बंद हो जाएंगे, आपने कुछ कर दिया, मैं सामने बैठा था आप कह रहे थे और मेरे हाथ हिलने बंद हो गए, उसके बाद हिले ही नहीं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कुछ लोग ऐसा कहते गुरु शक्तिपात करते, शक्तिपात भी गुरु करते, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये शक्तिपात तुम सब पर एक साथ हो सकता है और तुम्हारे हिलते डुलते हाथ, ये पार्किंसन्स, ये पैरालिसिस, ये ऐसा लिए ऑटोमैन डिजीज। मैंने एक बच्चा यहाँ पर आया हुआ था, 3 दिन में उसके ऐसा लिए मैं ऑटोमैन डिजीज दूर होगी, यहाँ राजस्थान से बालक आया, बोले स्वामी जी मेरे तो सारे पैरामीटर नॉर्मल आ गए 3 दिन में। सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ था, आर इफेक्ट बढ़ा हुआ था और जो ऑटोमैन डिजीज के मार्कर्स हैं वो सारे बढ़े हुए थे, और मुझे ये हुआ क्या, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा। इनका बेटा तेरे भीतर एक रूपांतरण घटित हो गया, और इस रूपांतरण के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है,
मैं पढ़े लिखे लोगों का विरोधी नहीं हूं, खुद भी पढ़ा लिखा हूं, बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। तुम यदि पूरी तरह से एकात्म हो जाओ और तुम्हारा पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ दे, पुरुषार्थ प्रारब्ध और भगवान का अनुग्रह यदि एक साथ घटित हो जाए, तो मैं रोज बोलता हूं क्षिप्र भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी नाम प्रणश्यति तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागर। ये रोग तो सामान्य बात है, एक क्षण में कितने कितने प्रकार की ऊर्जा तरंगे, जरा ये अदृष्ट जो है ना, तुम्हें दिखता तो नहीं है, ये सब ऊर्जा तरंगों से होता है, जो कुछ हो रहा है सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे। अब इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को अनेक नाम दिए गए हैं, इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों का नाम ही ध्वनि है, इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों का नाम ही ज्ञान है, इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों का नाम ही प्रेम है, इन सूक्ष्म ऊर्जा ये ही सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे जब अभिव्यक्त होती हैं तो ये अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं आपको, बस और कुछ नहीं। अब ये इतना बड़ा सत्य है, तो जरा सिंह साहब बहुत अध्ययन करते हैं तो इनका भी लाभ ले लो, जरा कपाल भाति और अनुलोम विलोम लगातार करो और उस परम चैतन्य की अनुभूति करो, पराशक्ति जिसको बोलते हैं, चलो अनुलोम विलोम करते करते सब करेंगे, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, मौन नहीं रहेगा कोई भी। परम चेतना के प्रतीक और पूर्ण पुरुष हम सभी के पूज्य स्वामी जी और सभी साधक भाइयों बहनों, अभी पूज्य स्वामी जी ने वैसे तो प्रतिदिन ही अपने प्रबोधनों से हम सभी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का संचरण करते रहते हैं और प्रातः काल से ही हमको एक सूर्य के भास्कर की नई किरणों के साथ अभ्युदय के लिए एक मानसिक शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं इस बिंदु पर बात करूं थोड़ी देर, कि हम सभी लोग पदार्थ हैं या ऊर्जा तरंगों के संघात हैं, एनर्जी क्वांटाज हैं। आज वैज्ञानिकों द्वारा भी ये सिद्ध हो गया है, हमारी ऋषि परंपरा तो हमेशा कहती रही है जैसा पूज्य स्वामी जी विस्तार से बता रहे थे, लेकिन आज जो भौतिक विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं पूरी दुनिया के, वो भी ये मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण पदार्थ नहीं बल्कि प्रत्येक कण एक ऑसिलेटिंग एनर्जी है, कंपनशील ऊर्जा है दो विपरीत ध्रुवों के मध्य, और वह निरंतर गतिशील रहती है, निरंतर प्रगतिगामी रहती है। ये बात तो पुरानी हो गई, जो हम वैज्ञानिक लोग हमेशा अदृश्य शक्तियों के सत्ता को नकारा करते थे, ये 100 साल पुरानी बात हो गई। 100 साल पहले लगभग 300 वर्षों तक जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स विज्ञान, जब न्यूटन ने, यद्यपि एक बड़ा एक क्रांतिकारी उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया तद समय, उनकी अवधारणा थी कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसका जो अस्तित्व है वो इस बात पर उनका आधारित था पूरा विज्ञान, कि एक पूरा ब्रह्मांड एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर ग्रहों नक्षत्रों के रूप में अलग अलग पदार्थ के रूप में संघात हैं और उनके बीच में कुछ आकर्षण और विकर्षण शक्तियां हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी है जिसके तहत ये पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व है। मेरे कहने का अर्थ है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स पदार्थ पर आधारित थी, लेकिन एक बहुत ही रुचिकर बात इसमें है कि वो न्यूटन से जब पूछा गया कि आपने ये तो बता दिया कि पदार्थों के मध्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ब्रह्मांड का अस्तित्व है, लेकिन इनका अस्तित्व कैसे आया, इन पदार्थों का अस्तित्व कैसे आया, आकाश का स्पेस जो है उसका अस्तित्व कैसे आया, तो उन्होंने कहा इसके पीछे मैं मानता हूं कि एक अदृश्य शक्ति है गॉड, जिसने इसको क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद
इसके मध्य जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण शक्तियां उसके तहत ये एक दूसरे के साथ सामूहिकता में अस्तित्व में है, उसी के आधार पर पूरा विज्ञान खड़ा हुआ, उसके आधार पर औद्योगिकरण खड़ा हुआ। और हमने जितने भी हमारे ऋषियों की परंपरा थी, वेदों उपनिषदों के स्वर थे या शतपथ ब्राह्मण ऐतरीय ब्राह्मण के जो स्वर थे, उनमें जो निहित वैज्ञानिक तथ्य थे, जो अनुभूतियां थी, ऊर्जा आधारित जो अनुभूतियां थी हमारे ऋषियों की, जिनको उन्होंने अलग अलग भाषाओं में व्यक्त किया, किसी ने पोएटिक उसमें मंत्रों में किया, किसी ने योग के रूप में किया, किसी ने सांख्य दर्शन के रूप में किया, किसी ने वेदांत के ब्रह्म के रूप में किया, उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको अभिव्यक्त किया। लेकिन 1905 के बाद जब आइंस्टीन का सिद्धांत आता है, सापेक्षता का सिद्धांत, उसके बाद से ये पदार्थगत ब्रह्मांड के अस्तित्व का की जो पूरी अवधारणा थी वो ध्वस्त हो गई। उन्होंने माना कि कुछ भी संसार में स्थिर नहीं है, और मुख्यतः जो पदार्थ परमाणु की तरह सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, और जिनकी गति प्रकाश की गति के आसपास है, वो तो निरंतर परिवर्तनशील हैं, E=mc², वो हमेशा, उनका द्रव्यमान और उनकी जो ऊर्जा है वह आपस में परिवर्तनीय है। अब यहीं से जितने भी आगे के जो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो नील्स बोर हों, चाहे हेजनबर्ग हों, चाहे उससे पहले के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फराडे और मैक्सवेल की अवधारणा रही हो, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी की, उन सभी लोगों ने फिर ये मानना शुरू किया कि हम जो पदार्थों पर आधारित ब्रह्मांड के अस्तित्व के कारणों को तलाशते हैं, हमें स्थूल की बजाय सूक्ष्म की ओर प्रवेश करना है। और जब सूक्ष्म की ओर प्रवेश करना शुरू किया तो सबसे पहले परमाणु पर आए, फिर क्वांटा पर आए, और जब परमाणु का अध्ययन करने लगे, मैं आपको एक वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं कि परमाणु ऐसा सूक्ष्मतम अंश है किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का, जिसमें उस तत्व के समस्त गुणधर्म रहते हैं, लेकिन उसका आकार कितना है, 1 सेंटीमीटर में आप 10 करोड़ का भाग दे दीजिए, उसका जो रेडियस होगा वो परमाणु है। और उस परमाणु में भी ज्यादातर हिस्सा खाली स्पेस है ऑर्बिट के रूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। जैसा स्वामी जी भी कह रहे थे कि वैज्ञानिक लोग और सूक्ष्मतम कणों की ओर उसको देखने, उसको समझने, उसको प्रेक्षण करने, उस पर प्रयोग करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी भी जब उन्होंने ये देखा कि एक एटम जो इतना सूक्ष्म है कि 1 सेंटीमीटर का 100 मिलियंथ उसका डाया है, ऐसा परमाणु आपस में एक दूसरे से टकराता रहता है और 600 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से चलता है, लेकिन इतना तेज गति से चलता है कि वह है तो गतिशील, है तो तरंग, लेकिन दिखता है बहुत ही सूक्ष्म कण के रूप में। मेरे कहने का अर्थ यह है कि परमाणु के जो नाभिक है वो इतनी छोटी है कि अभी भी वैज्ञानिकों को किसी इंस्ट्रूमेंट से दृश्य नहीं होती है। उन्होंने इसका अनुमान लगाया, डिडक्टिव, उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसके जो प्रभाव हैं, उस प्रभावों के आधार पर उन्होंने उसको नामेनक्लेचर किया, नामकरण किया, और उसके आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं को विकसित किया। और जब धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए तो पता चला कि 200 से भी अधिक कण न्यूक्लियंस की तरह, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तरह 200 से अधिक ऐसे कण हैं जिनका उन्होंने हाई एनर्जी फिजिक्स में, हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर्स के माध्यम से रिसर्च करके निकाला, जिसमें उन्होंने ये पाया कि कोई भी कण ब्रह्मांड का मूलतः तरंग है और इतना सूक्ष्मतम उसका अस्तित्व है कि वो अदृश्य है, मात्र उसके प्रभाव की अनुभूति ही हो सकती है। यह जो है हमारे वर्तमान सब एटॉमिक फिजिक्स के, हाई एनर्जी फिजिक्स के अधुनातन वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है। और यही निष्कर्ष
हमारे वेदों और उपनिषदों में ऋचाओं में अनुस्यूत है, जिसके लिए पूज्य स्वामी जी हमेशा हम लोगों को उद्धृत करते हुए, उनके रेफरेंसेस देते हुए हमको अपने ऋषि प्रजाओं के साथ जोड़ते हैं, हमारे अंदर हमें अनुभूति दिलाते हैं कि आप ये शरीर के मात्र कुछ रासायनिक तत्वों के संघात नहीं हैं, बल्कि मूलतः आप ऊर्जा के स्वरूप हैं। और ऊर्जा क्या है? अहम ब्रह्माष्टमी, शिवो अहम, शिवो अहम, उसी जो सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम तरंग है, उसी के हम एक स्वरूप हैं, उसी के प्रारूप हैं, और जन्म से पूर्व भी किसी रूप में थे, मृत्यु के पश्चात भी उसी किसी न किसी रूप में रहेंगे। इसलिए जन्म मरण के भय से दूर रहते हुए निरंतर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा निरंतर गतिशील होती है, एक तथ्य भी जो हमेशा पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ब्रह्मांड का कोई भी कण, कोई भी तरंग ऐसी नहीं है जो निरंतर गतिशील ना हो। हाँ, गति की प्रवाह इतना प्रबल होता है, प्रचंड होता है, कि वह गतिशील होते हुए भी वह बहुत ही सूक्ष्म यंत्रों से देखने पर भी वह एक स्थिर स्टैटिक कण के रूप में दिखाई पड़ता है, इतनी ज्यादा डायनेमिज्म होता है। इसीलिए जो पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि जब हम लोग अखंड पुरुषार्थ करते हैं तो स्वतः कर्मशीलता से आसक्ति का विनाश होते हुए निष्काम काम होकर हम एक ध्यानस्थ समाधिस्थ स्थिति में पहुंचते हैं। वही समाधि जो हमारे ऋषि प्रज्ञाएं, जिसको अंतिम चरम अवस्था शैशार में पहुंचने की अवस्था कहती थी, मैं उसको फिजिक्स से यही कह रहा हूं कि उनका आशय यही रहा होगा कि जब हम इतने अधिक डायनेमिक होकर, इतने अधिक गत्यात्मक होकर के ब्रह्मांड के उस मूल ऊर्जा की जो तरंग है उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, उसके साथ अनुनादित हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है हम दिखाई पड़ते हैं स्थिर धीर मुनि की तरह, स्थित प्रज्ञ दिखाई पड़ते हैं। स्थित प्रज्ञता कोई स्थिरता नहीं होती, शांति कोई स्थिरता नहीं होती, निष्क्रियता नहीं होती, बल्कि शांति और स्थित प्रज्ञता, निष्कामता, उस अखंड गतिशीलता के प्रवाह में भी एक स्थैर्य का जो बोध है वह भाव है। यही ऋषियों की प्रज्ञा भी रही है, यही हमारा फिजिक्स भी रहा है। और एक अंतिम बात में, जो पूज्य स्वामी जी तमाम रोगों का निवारण कर रहे हैं अपने ऊर्जा के प्रवाह से या अन्य अनेक हमारी प्राचीन चिकित्सा की पद्धतियों के माध्यम से, वह एक वैज्ञानिक तथ्य है। योग उसके मूल में है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि योग परम बल है, योग परम धन है। वो इसलिए है कि हम जब सभी लोग ऊर्जा की तरंग हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी इसको स्वयं में अवस्थित होने के लिए, स्वधर्म में स्थित होने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर अपेक्षित ऊर्जा का प्रभाव हो, जिसको आज के इनर बायोलॉजी के लोग, बायोलॉजिस्ट, इसको कहते हैं इपिजेनेटिक्स, सिंगल ट्रांसडक्शनल थ्योरी और बायो एनर्जेटिक्स, कि अगर हम एक मालिक्यूल को, एक केमिकल को, अगर हम दवा को लेते हैं या खाद्य पदार्थ लेते हैं पोषण का, वो हमारे शरीर में जब जाता है तो एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका प्रवाह हमारे बायोकेमिकल पाथवे में नहीं होता, लेकिन जब योग के माध्यम से, विचार के माध्यम से, अनुभूति की जो एक परम चेतना के माध्यम से अगर हम प्रवेश करते हैं, या स्वामी जैसी परम चेतना जब हमें अभिसिंचित करती है अपनी ऊर्जा के प्रवाह से, जैसा वो कह रहे थे कि परकाया में प्रवेश करते हैं, तो जब परम चेतना ऊर्जा का प्रवाह प्रवेश करती है तो वह 1 सेकंड में 1,46,000 माइल्स की गति से हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर से भी कम, और जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका प्रवाह 1,46,000 माइल्स पर सेकंड की गति से हमारे बायो एनर्जेटिक्स में प्रवेश करते हैं और हमारे समस्त रोगों का, समस्त मालिन्य का, समस्त वैचारिक शारीरिक दुर्बल्य का, उन सब का विनाश करते हैं, उसका परिष्करण करते हैं, परिमार्जन करते हैं और हमारे अंदर स्वयं में स्थित होने के लिए अपेक्षित दक्षता और शक्ति प्रदान करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी को
मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति को भी उन्होंने दो शब्द आपके मध्य संवाद स्थापित करने का अवसर दिया। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और ऊर्जा तरंगों को भी जो वोल्टेज में मापते तो कितना वोल्ट की एनर्जी, वो भी तो बता रहे थे आप। ये तो गति बताई 146 माइल की। देखिए जो ऊर्जा जो प्रवाह करती है परम चेतना की, एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में, वो लोग तो चूंकि साइंटिस्ट तो सेकंड्स में कहते हैं, वो 10^36 मिलियन बोल्ट की जो एक एनर्जी का उसका जो एक अटैक आक्रमण हो जैसे एक व्यक्ति पर, एक पॉजिटिव अटैक, तो वो इतना अधिक जो एक प्रवाह है वो हमारे अंदर उतने बड़ी एनर्जी के पोटेंशियल को, हमारी हिडन पोटेंशियल को जागृत करने के लिए हमारे अंदर एक इंड्यूस करती है, हमारे अंदर उत्प्रेरण पैदा करती है। तो इसलिए मैं, जो बहुत सारे लोग सुबह नहीं आते हैं यहाँ पर रुकते हुए, उनसे मैं जरूर ये निवेदन करूँगा कि प्राकृतिक हिस्सा, पंचकर्म, एक्यूप्रेशर, ये सब एक आवश्यक पद्धतियाँ हैं, एक सहयोगी पद्धतियाँ हैं, लेकिन मूल पद्धति होती है किसी परम चेतना के व्यक्तित्व के ऊर्जा के प्रवाह के लिए स्वयं को खोल देना, स्वयं की गांठों को खोल देना, जिससे हजारों मिलियंस बोल्ट एनर्जी आपके बायो एनर्जी पाथवे के अंदर प्रवेश करके आपका परिष्करण कर सके। तो अब इसको दूसरे अर्थ में आप मूलाधार चक्र से सहस्रार तक जो आपकी अनुभूतियाँ होती है ना ऊर्जा तरंगों की, उसको कुछ कुछ नाम दिए हैं। ये जो अभी आदरणीय श्री सिंह साहब ने बात कही, क्योंकि ये खुद विज्ञान के भी विद्यार्थी और दर्शन इन्होंने अपनी अभिरुचि से पढ़ा। फिर ये जो हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, क्वांटम फिजिक्स में अलग अलग प्रकार की जो इस समय विज्ञान की जो अलग अलग धाराएँ हैं, अब उनमें भी थोड़ी थोड़ी मत भिन्नता है, लेकिन उन सब बातों के निष्कर्ष के रूप में यह है कि सारा ब्रह्मांड अब ऊर्जा तरंगों के संघात के रूप में वो महसूस करने लगे हैं, और इसी के ऊपर अब सारा विज्ञान काम कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं, ये टेलीफोन क्या है, ये टेलीविजन क्या है, ये जो संचार क्रांति क्या है, हमने अपनी ध्वनि को, ऊर्जा तरंगों को करंट में रूपांतरित करके, उसको ऊर्जा तरंगों में रूपांतरित करके आकाश में प्रक्षेपण कर दिया। वो सेकंड्स के हिसाब से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्विपमेंट्स के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। अगले क्षण भी वो ऊर्जा हम इस ब्रह्मांड में जाके जिस उपग्रह से उसका प्रक्षेपण करते हैं, एक सेकंड के अंदर वो उपग्रह तक पहुंच जाते, उपग्रह से हमारे रिसीवर तक आ जाती है, और एक सेकंड का विलंब होता है मात्र। वो कई बार अलग अलग इक्विपमेंट भेद से कई बार, दो आप जब कई बार टीवी इंटरव्यू सुनते हो तब कई बार एक सेकंड के डिले से आता है, कई बार वो इक्विपमेंट के ऊपर निर्भर करता है, कई बार 3 सेकंड के, कई बार 5 सेकंड का भी डिले हो जाता है, 3 to 5 seconds का डिले हो जाता है। सेकेंडों के हिसाब से ऊर्जा तरंगों को रिसीव करना, फिर उनको प्रक्षेपित करना, जब ये सारे काम तुम बाहर की दूर संचार क्रांति को कहते हो कि ये युग का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो उससे तो अनंत गुणा ऊर्जा तुम एक जगह बैठ करके अपने पिंड और ब्रह्मांड में संचारित कर सकते हो। ये आध्यात्मिक सत्य, अब उसको कितनी तरह से व्याख्या कर ले उसको। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, कई लोग तो इस सत्य को विश्वास से समझ लेते हैं, कुछ विज्ञान से समझ लेते हैं, और कुछ मूड ऐसे वो ऐसे कर रहे हैं, करते करते कुछ तो होगा ही होगा। बाबा कह तो रहा है प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, देख लेते, ट्राई कर लेते, वैसे होना जाना तो कुछ है नहीं, ऐसे फूक मारने से कुछ थोड़ी कुछ हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं इससे तो बड़ी बड़ी गांठें घुल जाती है, बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। स्वामी जी कहते हैं इससे तो जो किसी भी हड्डियां हैं वो वापस आ जाती है, कार्टिलेज किसी भी वापस, मान लेते हैं, चलो
फिर भी नहीं माने तो भी कर तो लेते, अब आए हैं योगा ग्राम में तो कह रहे हैं इसलिए कर लेते, होना जाना तो कुछ है नहीं। अब यहां से शुरू करता हो यात्रा तो भी उसको फायदा हो जाता है। सोचो कि तुम पूरी तरह से एकात्म हो जाओ, इसको शरणागति कहा हमारे यहां, स्वीकार्यता की पराकाष्ठा कहा है कि तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया। योग क्या है? ऊर्जा तरंगे, यह हवन से जो अग्नि उद्बुद्ध हो रही है और इससे जो सूक्ष्म कण फैल रहे हैं औषधीय सूक्ष्म कण नैनो मेडिसिन होकर के, क्या है ये? ऊर्जा तरंगे है, ये योग, ये यज्ञ। और मैं जो आज आपको बात कह रहा हूं, आने वाले समय में हमने वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी ये काम शुरू कर दिया है, हम खाली एक पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। आज जो हम योग कर रहे हैं इसकी जो ऊर्जा तरंगे उसके ऊपर कार्य करने के लिए जो रिसर्च का काम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में चल रहा है वो एक तरफा चल रहा है। मैं एक तरफ से नहीं, मैं दसों दिशाओं से काम कर रहा हूं। आने वाले समय में जिन आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों का हम यहां पर संवाद कर रहे हैं आपके साथ में, योग की आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे, यज्ञ की आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे, आयुर्वेद की जो औषधियां हैं वो जड़ औषधियां नहीं है मात्र, उनमें जीवंतता, जीवन है उनमें। मैंने कहा वो तामसिक और रासिक चिकित्सा नहीं, वो दैवी चिकित्सा है। योग की, आयुर्वेद की, जड़ी बूटियों की, अलग अलग प्रकार के यज्ञ की, अलग अलग प्रकार की जो थेरेपियां देते हैं उनका सबकी, ये अकुप्रेशर की, मर्म चिकित्सा की, नाड़ी चिकित्सा की, अलग अलग प्रकार के आहार की, अलग अलग प्रकार के जल की जो सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे हैं, इस पर इतना बड़ा काम हो रहा और इतना बड़ा काम होगा, आने वाले समय में पूरा संसार योग करेगा, यज्ञ करेगा, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करेगा, वो नेचुरोपैथ के ऊपर आएगा, वापस वो सनातन संस्कृति की ओर लौटेगा। यह कोई मजहबी उन्माद फैलाने की बात मैं नहीं करता कभी भी। कुछ लोग इनके पीछे फिर अपने अपने कुछ मजहबी मनसूबे पूरा करने की कोशिश करते, मेरा कोई मजहबी मनसूबा नहीं है, कोई रिलीजियस एजेंडा नहीं है। हाँ, लोग अलग अलग एजेंडे हैं सबके, अलग अलग झंडे, अलग अलग एजेंडे। ए सब करो कपाल भाती, अभी तुम्हारी बाकी हलचले बाद में कराएंगे, कुछ तो अभी अभी जो है बहुत तरह से हिलने डुलने में लगे, जरा कुछ गहरे तत्वों को भी अनुभव कर लो। इस तत्व को जिसने अनुभव कर लिया ना, अभी थोड़ी देर शांति से बैठो, अभी तुम्हें हिलाऊं डुलाऊंगा, फिर देखता हूं तुम्हें शारीरिक ताकत भी कितनी है, वो अलग तरह की है। अभी मैं शरीर के परे प्राण की जो शक्ति है, प्राण की जो ऊर्जा है, प्राण को ब्रह्म कहा है, और ब्रह्म मनी ऊर्जा का जो सूक्ष्मतम परिष्कृत जो संघात होता है वो ही ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ व्यापक है, और व्यापक ऊर्जा तरंगे हैं जो समस्त इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा तरंगों का संघात है, वो प्रवाहमान हो उसके साथ तुम जुड़ गए, यही उस ब्रह्म के साथ जो सर्वगत ब्रह्म है, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसके साथ तुम्हारी व्यष्टिगत ऊर्जा तरंगे उस समष्टिगत ऊर्जा तरंगों के साथ जब प्रवाहमान होकर के एकात्म हो जाती हैं, तब आंतरिक गहरा रूपांतरण घटित होता है। इसलिए मैं कहता हूं योग इज द फाउंडेशन। ये बाकी सारी पैथियां आपके ऊपर काम करेंगे, जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक, सिरोधारा, अक्षितर्पण, डिफरेंट मेडिकेटेड मसाज, मेडिकेटेड स्टीम, अलग अलग प्रकार के लेप प्रलेप, अलग अलग प्रकार के ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, ये अलग अलग प्रकार के अकुप्रेशर, अलग अलग प्रकार के आसन व्यायाम, ये सब तुम्हारे ऊपर काम करेंगे। अलग अलग प्रकार की औषधियां, 1000 से ज्यादा प्रकार की औषधियों के ऊपर हमने विशेष अनुसंधान करके 100 से ज्यादा अलग अलग औषधियों के अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल्स, अब एक गिलोय आपको देखने में एक गिलोय लगती है, लेकिन उसके अंदर कम से कम 1000 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स, सूक्ष्म रासायनिक तत्व, ऊर्जा संघात जो है उनको हमने खोज लिया है, लेकिन उनमें से कुछ का हम अभी प्रयोग कर पाए, कुछ का भी नहीं, उसके बारे में और अभी जानना करना शेष है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की जो औषधीय प्रक्रियाएं, उनके बारे में मैं बोलता हुआ कपालभाति और अनुलोम विलोम दो में से एक आपको करना, अभी थोड़ा शांत होकर के, अभी आसन नहीं करेंगे, थोड़ी देर आसन कराऊंगा, अभी आपको व्यायाम भी कराऊंगा, उसके साथ भी प्राणायाम होगा, उसके साथ भी ध्यान होगा, लेकिन जरा सुनना, कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते ये ऊर्जा तरंगों का प्रवाह एक सही दिशा में जब काम करने लगे, और जैसी ऊर्जा तरंगे आपको अपेक्षित हैं,
इनके प्रकार भी बहुत तरंगे, एक जैसी नहीं होती ऊर्जा तरंगे। प्रेम की ऊर्जा तरंगे अलग है, घृणा की ऊर्जा तरंगे अलग है, सकारात्मक ऊर्जा तरंगे अलग है, नकारात्मक ऊर्जा तरंगे अलग है, औषधीय ऊर्जा तरंगे अलग है। अलग अलग प्रकार के ये एनर्जी के पाथवेज हैं। अब इसको कितने रूप में आप कह लो आप, इसलिए इसको मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दों के कहने की जो तौर तरीके हैं, भाषा जुबान लैंग्वेज शब्द बदल सकते हैं, युग धर्म के अनुसार शब्द बदलते रहेंगे, लेकिन सत्य तो अनिर्वचनीय होता है, वो एक अनुभूति होता है मात्र, उसको आप कैसे भी कह लें आप। इसलिए उसको युग का एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, करो सब। और करते करते अब मैं एक और थोड़ी दूसरी बात कह रहा हूं, आपका संकल्प ही आपका देवता है, आपका संकल्प ही आपकी सिद्धि है, संकल्प ही देवता है, संकल्प ही आपकी सिद्धि है, संकल्प ही आपकी औषध है, विचार ही सबसे बड़ा उपचार है आपका, विचार ही सबसे बड़ा आपका उपचार है, विचार की औषध, संकल्प चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा। अब थोड़ी देर आंखें बंद करके अनुलोम विलोम कीजिए जरा, 5-10 मिनट से पहले आपका हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, इतनी निरंतरता से तो करना सीखो। अनुलोम विलोम आप अत्यंत श्रद्धा से, अत्यंत भक्ति से, अत्यंत एकाग्रता से। ये एकाग्रता क्या है, कहते क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त में योग होता ही नहीं है। अब हम क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त से योग करने की चेष्टा करते हैं, उससे आंशिक लाभ तो हो ही जाता है, वो भी जमाने को बहुत अधिक लगता है। कहते एकाग्र चित्त में योग होता है, एकाग्र चित्तता का अर्थ है पूरी अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञा। और कहते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, जब आप सब प्रकार से अपनी ऊर्जा तरंगों को वृत्ति स्वरूप में मित्रत्र से बाहर निकल करके आप पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, निशब्द हो जाते, निश्चेष्ट हो जाते हैं, और निशब्द होके निश्चेष्ट होकर के प्रज्ञा की पराकाष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब जाकर के ये दिव्य रूपांतरण, इसी को शक्तिपात कहते हैं, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, इसी को आत्मबोध आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को प्रतिप्रसव कहते हैं। आप एक बार ऐसा करो, और मैंने ऐसा किया तो ये पाया, जिनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, यही देखा है मैंने इसी योगग्राम में, और अभी तक के मेरे 45 साल के योगानुभूति के इस कालखंड में, 45 ईयर्स में योग कर रहा हूं, और लगभग 30-35 साल से करा रहा हूं, और इस दरमियान इस अंतराल में जो अनुभव किया मैं कह रहा हूं आपसे, जिनके आंखों की रोशनी, ये हमारे सिंह साहब इनके एक रिलेटिव है, कलकत्ता में रहते हैं, बड़े क्या नाम है, वेंकटेश स्वामी, उनकी आंख की रोशनी चली गई, आंख की रोशनी चली गई, देखने लग गए हूं, अनुलोम विलोम करते रहे। मैंने उन्हें कहा हुआ है कि एक एक घंटा सुबह दोपहर शाम अनुलोम विलोम करो, और
पिछली बार भी इन्होंने कहा था, यहां बैठे हुए आंख की रोशनी 99% चली जा चुकी थी, बस कुछ ये था कि हाँ अभी कुछ शेष है। वापस वो खोई हुई आंख की रोशनी, ये तो एक दो प्रमाण क्यों देने पड़ते हैं? लोग करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस संसार की प्रमाद, और सबसे बड़ा समाधान, दो ही तो तत्व है, एक समस्या एक समाधान। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार का प्रमाद, और सबसे बड़ा सौभाग्य पुरुषार्थ। सबसे बड़ी समस्या प्रमाद, करते नहीं पूरा। आंख की रोशनी वापस आ गई, कान की सुनने की शक्ति वापस आ गई, नाक की गंध वापस आ गई, मुख का स्वाद वापस आ गया, जिनकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। इससे बड़े भयंकर रोग होते हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर, और फिर ये धीरे धीरे एमएनडी। ये सब अंदर की ऊर्जा तरंगों के विघात का, विघटन का, उसके ऊर्जा तरंगों के क्षय का, क्षय क्षय क्षय, ऊर्जा तरंगों का क्षय, उससे ही एमएनडी होती है, उसी से एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसी से ही फिर अलग अलग प्रकार के उपद्रव, जिनको अलग अलग रोगों के नाम दिए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक ही है, योग करो। अब उसको अनेक तरह से कह दिया जाता है कि अपने अशुद्धि का क्षय करो, योगो ही प्रभाव आप्य, अशुद्धि का क्षय करो और शक्ति का उदय करो, योगो ही प्रभाव आप्य, योगो भवति दुखाय, योग कर्म कौशलम समत्वम योग उच्यते। अलग अलग तरह से उस सत्य की अभिव्यक्तियां, अनुलोम विलोम पूरा करो। एक एक दिन में मैंने लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से उभरते देखा, और वो फिर वो उभार कई बार देखो, उस ऊर्जा तरंगों का भी एक संघात तैयार होने में, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों का संघात। अब ये बात मैं आंशिक रूप से कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा ज्यादा बोलूंगा तो ना तुमको समझ में आएगा और बखेड़ा और हो सकता है। तुम्हारी ऊर्जा तरंगों के दिव्य संकल्पों का संघात ही देवता बनकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता है, जिसको स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग का है। बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे संकल्प की ऊर्जा तरंगों से कोई अदृष्ट इस आकाश में कोई देवता भी साकार रूप में अवतरित हो सकता है। यह तो तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव दिखेगा, और जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है वो तो उसको कहेगी ये तो कोरी बकवास है। लेकिन तुम्हारे संकल्प से अलग अलग देवता प्रकट होते हैं, अलग अलग शक्तियां प्रकट होती हैं, अलग अलग ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। योग, ये जो भगवत गीता के करीब आधे निष्कर्ष इन अदृष्ट शक्तियों पर ही आधारित है, उनकी व्याख्याएं जो शब्दों में कर रहे हैं पंडित लोग, विद्वान लोग, शाब्दिक लोग, वैयाकरण लोग, वो खाली कोरी व्याख्याएं हैं, उनमें तत्व नहीं है। जो विश्व रूप दर्शन और अलग अलग प्रकार के जो भगवत गीता में जो योग का ऐश्वर्य कहा गया है, अपना ऐश्वर्य भगवान ने कहा है, वो सारा ये शाब्दिक नहीं है। व्याकरण के माध्यम से और अलग अलग प्रकार के शब्दों के माध्यम से आप उसको नहीं कह सकते। अनुलोम विलोम कर लो जरा, संकल्प ही देवता है, संकल्प ही सिद्धि है, और संकल्प से विभूतियां हैं, और वो सब योग के ऐश्वर्य से प्रकट होते। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत् तद एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान के तेज का प्रणाम है ये सारी विभूति। यद यद विभूति मत सत्वम, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत् तद एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। ये दिव्य तेज का परिणाम है सारी विभूतियां, सारी सिद्धियां। इतनी गहरी भाव चेतना से मैं आपको योग करता हुआ देखना चाहता हूं, और अब तो आपको प्राणायाम करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा आप शांत चित्त होकर के शरीर से भी थोड़ा स्थिर दिख रहे हो, अंतर्मुखी भी दिख रहे हो, थोड़े एकाग्र चित्त भी दिख रहे हो, निरुद्ध चित्त भी हो रहे हैं कुछ।
जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं उतने अंदर से फिर आप एकात्म रहे, योगस्थ रहे, ब्रह्मस्थ रहे, योगस्थ कुरुकर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। ऐसे चलो, ऐसे अनुलोम विलोम किया, अब भ्रामरी करो, पहले उंगले माथे पर शीश, तीन उंगलियों के ऊपर कान, अंगूठे से बंद, और करते करते देखो भ्रामरी। आज चक्र में जैसे सूर्य उदय होता है ना, ऐसी ऊर्जा तरंगों की आपको अनुभूति होगी। ये प्रत्यक्ष भी होता है इसका, और वो शरीर पर तो सूक्ष्म रूप से असर करती है, दृष्ट करके देखो जरा। यदि भाहा सदृशी सा साथ भाषा महात्मा दिवी सूर्य सहस्र से भवेद युगपतोत्थिता, वह जो बात है उसको आप अनुभव करें। पूरे एकाग्रत कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद, ध्यान मुद्रा में आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, समा सिरा काय ग्रीवा, भ्रामरी के बाद उद्गीत, और मूलाधार से सस्रार तक पूरे शरीर को एक ऊर्जा पिंड के रूप में अनुभव करें। थोड़ी देरी के लिए इस दृष्ट को विसार दे, संकल्प से है दृष्ट, इसको नकार नहीं रहे हम, लेकिन इस पिंड को और संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ऊर्जा तरंग के रूप में अनुभव करें। और उस ऊर्जा तरंग का जो प्रथम उद्घोष है, वो ऊर्जा तरंग जब कोई आकार लेती तो प्रथम उसका उद्घोष ओंकार है।
मौन हो जाएंगे, मौन, कंप्लीट साइलेंस। ओम इति इदम सर्व। Thank you.